नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मथाने। आइए एक नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर, जहां आज की पहली बड़ी खबर आ रही है जूनागढ़ से, जहां पर जूनागढ़ में मुठभेड़ देखी गई। अवैध दरगाह हटाने पर यह विवाद था, जहां मजेवाड़ी गेट के पास एक मस्जिद को जूनागढ़ नगर निगम की तरफ से 5 दिनों के भीतर दस्तावेज पेश करने का नोटिस दिया गया था, जहां कल मस्जिद के बाहर करीब 500 से 600 लोग जमा हो गए। वहीं इस जमावड़े से सड़क बाधित रही, जहां लगातार ऐसा देखा गया कि पुलिस भीड़ को सड़क जाम नहीं करने के लिए समझाने की जुगत में लगी हुई थी। इसी दौरान यह भी पता चला कि रात करीब 10:15 बजे पथराव की वारदात को भी अंजाम दिया गया, सामाजिक हिंसा या भड़काने की कोशिश की गई, जहां पर कोशिश पुलिस वालों पर हमला करने की थी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में पेड़ को तितर पितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। वहीं से पूरी घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अभी तक 174 लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, जहां प्रेमोफेसे पथराव से एक नागरिक की मौत की खबर भी सामने आ रही है। हालांकि जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटे अनाज के फायदों और दुनिया से भुखमरी को कम करने की क्षमता को बताने के लिए ग्रैमी विनर मारवंशी सिंगर फालू के साथ मिलकर एक गाना लिखा है। द अबंडेंस इन मिलेट गाने को मुंबई में जन्मी सिंगर फाल्गुनी शाह और उनके पति सिंगर गौरव शाह ने गाया है, जहां फाल्गुनी का स्टेज का नाम फालू है। ये गीत 16 जून को रिलीज होने वाला है और इसमें पीएम मोदी भी नजर आएंगे। तो वहीं अस्पताल परिसर में मरीजों के दो पक्षों में मारपीट की खबर सामने आ रही है, जहां इंजेक्शन को लेकर ये विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। मामला जिला अस्पताल परिसर के वार्ड नंबर 3 का है, जहां इस पूरी मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। जैसा देखा गया कि दोनों पक्ष एक छोटे से विवाद के चलते एक दूसरे पर टूट पड़े। वहीं इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने मामले की जानकारी तुरंत पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मामले को सुलझाने में जुट गई। तो वहीं पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, जहां पर गैंगस्टर की करोड़ों की संपत्ति कुर्की गई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की पुलिस की सजग कार्रवाई रंग ला रही है, जहां पर यूपी में एक शराब माफिया गैंगस्टर की करोड़ों रुपए की संपत्ति कुर्की जा चुकी है। तो लगातार शराब माफिया समेत गैंगस्टर्स की दिक्कत यूपी में बढ़ती जा रही है, जहां पुलिस एक्शन मोड में है। और इसका एक और नमूना यूपी के मुजफ्फरपुर के गैंगस्टर, जो कि एक शराब माफिया भी था, उसके लाखों करोड़ों की अचल संपत्ति को पुलिस ने कुरकर कर दिया, जिसमें खेत, मकान, पेट्रोल पंप और लग्जरी कारें भी शामिल है। दरअसल भोपा थाना पुलिस की तरफ से शराब माफिया गैंगस्टर अनिल राठी की संपत्ति पर 14A की कार्रवाई की गई, जिसके चलते पुलिस ने गैंगस्टर अनिल राठी की 11,17,00,000 रुपए की संपत्ति को कुर कर लिया है, जिसमें अपराध से अर्जित किए गए मकान, खेत, पेट्रोल पंप और लग्जरी गाड़ियां भी शामिल है। वहीं बताया गया है कि जिस गैंगस्टर अनिल राठी पर आज जिला प्रशासन की तरफ से यह कार्रवाई की गई, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश सुशील मूच का रिश्तेदार है। जनपद मुजफ्फरनगर में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में माफियाओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में माननीय डीएम महोदय के आदेशानुसार आज थाना भोपा पुलिस द्वारा गैंगस्टर के अपराधी और शराब माफिया अनिल राठी सनो ब्रिजपाल सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। इसमें अनिल राठी द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति को कुर्क किया गया है। इस संपत्ति की मार्केट वैल्यू जो है वो लगभग 11,17,00,000 अनुमानित है। इसमें इसका खेत भी शामिल है, इसका एक मकान शामिल है और इसमें 5 बड़े लग्जरी वाहन भी इसमें शामिल है। इस प्रकार थाना भोपा पुलिस द्वारा क्षेत्राधिकारी भोपा और SPRA के कुशल नेतृत्व में ये बड़ी कार्यवाही जनपद मुजफ्फरनगर में की गई है। तो
वहीं यूपी बीजेपी क्षेत्र उपाध्यक्ष राजेश सिंघल ने सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग पर बड़ा निशाना साधा, जहां बीजेपी नेता ने कहा कि सपा सांसद मुसलमानों को गुमराह करने का काम करते हैं। इसके अलावा राजेश सिंघल ने कहा कि केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार ने मुसलमानों के हित में जितने कार्य किए हैं इतना आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया है। उन्होंने कहा कि आगामी 21 जून को योग दिवस पर सभी धर्मों के लोग सड़क पर उतरेंगे और भाजपा के समर्थन में खड़े होंगे, तब वो एसपी सांसद डॉक्टर बर्ग के मुंह पर तमाचा होगा। राजेश सिंघल ने कहा कि योग में सभी धर्मों के लोग आते हैं और आगामी 21 जून को योग दिवस ऐतिहासिक होगा, जहां यहां पर आने वाले लोग योग दिवस पर अपनी भीड़ को दिखाएंगे। गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो गए, ऐसे में भाजपा मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान करने में जुटी है और इसी कड़ी में राजेश सिंघल ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। शफीकुर पर जो संभल के सांसद जी हैं, वह लगातार मुस्लिम समाज के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। हमारे माननीय मोदी जी ने और माननीय योगी जी ने जो इस देश के अंदर प्रदेश के अंदर जो कार्य किए हैं अल्पसंख्यक समाज के हित में, ऐसे पहले कभी किसी पार्टी ने काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने अल्पसंख्यक हितों में तमाम प्रकार की योजनाओं देकर उस समाज को जोड़ने का काम किया और आज अल्पसंख्यक समाज समझ चुका है कि हमको पहले बैठने का काम करते थे और तो हम आने वाले समय में हम बैठ रहे हैं बालों के झांसे में नहीं फंसने वाले, ना हम बैठने वाले फंसेंगे ना हम बैठने देंगे अपने लोगों को। तो वहीं संभल जिले में एक फ्रूट कारोबारी का लहूलुहान अवस्था में शव मिला है, जिसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी मची हुई है। बता दें कि रेल लाइन के पास ही फल विक्रेता का शव मिला, अब तक हत्या किसने की यह पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया। हालांकि परिजनों ने इस पर हत्या का शक जताया, जहां परिजनों का कहना है कि जमीन के 12 लाख को लेकर हत्या को अंजाम दिया गया है। वहीं फल विक्रेता की मौत से परिवार में कोहराम मचा है, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देखिए, आज सूचना प्राप्त हुई थी कि सिपाहीलाल फाटक के पास में ही तकरीबन 50 मीटर दूरी पर पटरी के किनारे एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक घायल के परिजन उसको अस्पताल के लिए ले जा रहे थे, साथ ही पुलिस भी होली मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल में तत्काल लेकर पहुंचे हैं। वहां पर अस्पताल में जब लेकर गए हैं तो डॉक्टर साहब ने उनको चेक किया है तो वो मृत हो गए हैं। मैं गहराई से जानकारी करने के लिए और सम्यक साक्ष्य संकलन के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। फील्ड यूनिट बुला ली गई है, थाना क्षेत्र से सभी प्रकार के जितने भी संभावित एंगल हैं उन पर जांच की जा रही है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, तहरीर आती है उसके आसपास। तो बढ़ते हैं संभल की अगली खबर की तरफ, जहां पर संभल में मस्जिद जंग का मैदान बनी हुई है। मस्जिद में जमकर मारपीट हो रही है, जमकर लात घूसे चल रहे हैं और ऐसी ही कुछ तस्वीरें मस्जिद के बाहर भी देखने को मिल रही है, जहां पर इस विवाद के चलते दोनों पक्षों पर लात घूसे रसीद करते हुए देखा गया है। मामला राजपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां इस विवाद के चलते सपा समर्थकों पर भाजपा समर्थकों मुसलमानों को पीटने का आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इसके अलावा विवाद की वजह मस्जिद का किराया काम करने को लेकर बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने प्रधान समेत 11 के खिलाफ नामजद और दोनों पक्षों के 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया। वही बताया जा रहा है कि पूरे जुम्मे की नमाज के दौरान मस्जिद में सपा समर्थकों द्वारा भाजपा मुस्लिम समर्थकों को बीजेपी को वोट करने पर मस्जिद में नमाज नहीं करने के ऐलान पर यह पूरा विवाद पनपा था। वहीं संभल में दबंगों की खुलेआम गुंडई देखने को मिल रही है, जहां पर बीच सड़क पर जमकर मारपिटाई की गई। अश्लील गालियों के साथ हाथों में पत्थर लेकर दबंगों को दौड़ते हुए देखा गया और इसी तांडव के चलते पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मामला चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के खुर्जा गेट करेली रोड का है, जहां पर बदमाशों की लाइव गुंडई देखने को मिली। वहीं बता दें कि इन दबंगों पर हर आए दिन लोगों के साथ मारपीट करने का आरोप लगता आया है। इसके अलावा ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रही है। थाना रजपुरा के अंतर्गत कस्बा रजपुरा से एक वीडियो जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, इसकी जानकारी प्राप्त हुई
इसमें घटनाक्रम इस प्रकार से था, दो पक्ष जो दोनों ही मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, मस्जिद में मस्जिद के नीचे बनी हुई दुकानों के किराए को लेकर दोनों पक्षों में कल संघर्ष हो गया, जिसमें आपस में मारपीट हुई। एक वीडियो प्रकाश में आया जिसमें एक व्यक्ति कुछ लोगों को लाठी से भी मार रहा है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस की तरफ से एक मुकदमा धारा 147, 149, 7CLA एक्ट व अन्य सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कराया गया तथा पिटने वाले व्यक्ति की तरफ से धारा 307 का एक अतिरिक्त मुकदमा जो वीडियो में पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं उनके विरुद्ध कराया गया। इसमें स्पष्ट करना है कि यह राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का मामला न होते हुए केवल दुकानों के किराए के बारे में झगड़ा था। इसमें तत्काल रूप से प्रभावी कार्रवाई करते हुए रजपुरा थाने की पुलिस के द्वारा 10 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, जिनको 307 की धाराओं में माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इसमें मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है, इसमें अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है और पूरी तरह से चौकसी की जा रही है। तो वहीं ललितपुर में एक युवक पटरी पर ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसके चलते युवक की स्थिति नाजुक बनी हुई। आपको बता दें कि ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक घायल हो गया था। बता दें कि जिला चिकित्सालय चिकित्सकों ने उसकी हालत नाजुक बताई है, जिसके बाद उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। यही बता दें कि युवक झेलम एक्सप्रेस वे में सवार होकर जा रहा था, जहां झेलम से उतरते वक्त रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अचानक ट्रेन चलने लगी और वो ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसका एक पैर पूरी तरह से फंस गया। वही आनन फानन में जीआरपी और आरपी एक की मदद से उसे जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर कर दिया। हम आ रहे थे ललितपुर के लिए, हमने सोचा ललितपुर से हमको सही पड़ेगा तो हम इसलिए ललितपुर आ रहे थे, नहीं तो ऐसे हम झांसी से पकड़ देते। तो हमने सोचा चलो ललितपुर, लोगों ने बोला अच्छी है ट्रेन, तो हमने सोचा चलो ठीक है। तो हम ललितपुर हमने उतरे तो जैसे ट्रेन का कोई ट्रेन कोई एक ही मिनट कोई रुकी, फिर कौन सी गाड़ी थी? झेलम एक्सप्रेस भैया। तो ठीक है, तो कोई ट्रेन कोई एक मिनट कोई रुकी, फिर उसके धीरे धीरे से फिर उसकी स्पीड बढ़ने लगी। तो कोई हम अंदर थे, फिर पता नहीं अचानक से कोई हम लोग निकले तो अचानक से हमने सुना कि एक बंदा कोई गिर गया है। ठीक है भैया जी, तो फिर हम गए तो ये बंदा फंसा था, तो फिर गए तो इसका पैर फंसा था, तो अच्छे से देखा नहीं हमने कि इसका पैर कट गया कि नहीं कटा। तो फिर हमने उनको बोला जो गाड़ी चलाते उनको बोला कि थोड़ी ऐसा करो, थोड़ी पीछे करो, थोड़ी इसका पैर फंसा है। तो फिर इसका जब पैर देखा तो इसका कटा हुआ नहीं था। तो वहीं अगली खबर श्रावस्ती से सामने आ रही है, जहां पर पुलिस की एक संयुक्त टीम ने मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। आपको बता दें कि यह मेडिकल स्टोर अवैध तरीके से संचालित हो रहा था। कोतवाली भिनगा क्षेत्र अंतर्गत नौबस्ता का यह पूरा मामला है, जहां पर बिना लाइसेंस के ही इस मेडिकल स्टोर को चलाया जा रहा था, जिसके बाद इंस्पेक्टर प्रीति सिंह और मजिस्ट्रेट प्रांजल त्रिपाठी की संयुक्त टीम ने मेडिकल स्टोर पर छापा मारा और इस मेडिकल स्टोर को सीज भी कर दिया। वहीं प्रतिबंधित दवाओं का यहाँ पर पूरा जखीरा मिला, जिसके बाद इन सभी दवाइयों को जांच के लिए और सैंपलिंग के लिए भेज दिया है। वहीं नियमों को ताक पर रखकर इस पूरे मेडिकल स्टोर में संचालन किया जा रहा था, जहां साफ देखा जा सकता है कि लगातार मेडिकल स्टोरों पर हो रही छापेमारी से ये बात साफ है कि लोगों के साथ सच में स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। वहीं अब पुलिस प्रशासन अवैध ड्रग स्टोर पर सख्ताई बरत रहे हैं, जिसके लिए अब ये छापेमारी भी जोर पकड़ रही है। बलरामपुर में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जहां सुबह के समय आखिरी बार इस युवक को रेलवे ट्रैक पर बैठा हुआ देखा गया था, जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि मृतक तुलसीपुर के जुगलीपुर गांव का निवासी था। वहीं ये हादसा तुलसीपुर थाना क्षेत्र के ओड़ाझार गाँव के पास हुआ। इसके अलावा पुलिस भी मामले की जाँच में जुट गई है, जहाँ पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ललितपुर जिले के ग्राम मिर्चावारा से 1.5 साल का टीका 2 बच्चों को लगाया गया, जहां पर टीका लगने के लगभग 1 घंटे बाद दोनों बच्चों को तेज बुखार आ गया, तो अचानक से इनकी तबीयत खराब हो गई। टीका लगते ही 1.5 घंटे बाद ही दोनों बच्चों की हालत बिगड़ी, जिसके बाद आशा की मदद से बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद दोनों बच्चों को भर्ती भी कराया गया।
तो ऐसा देखा गया यहाँ पर इस पूरे मामले में एक टीके से दो बच्चों की जान पर बनाई, जहाँ पर देखा गया कि दोनों बच्चों की अचानक टीका लगते ही तबीयत खराब हो गई। एक घंटे के भीतर ही देखा गया कि बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, जिसके बाद आशा की मदद से इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो ये देखा कि कैसे टीका लगने से दो मासूम बच्चों की अचानक हालत बिगड़ गई। ये किस प्रकार का टीका था अभी तक ये सामने नहीं आ पाया, जिससे बच्चों की तबीयत खराब हुई, लेकिन इस तरह से मासूम बच्चे, दोनों बच्चों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं जो टीका लगा है इससे मासूम बच्चों की हालत बिगड़ी, जिसके बाद उनको जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया और वहीं पर उनका इलाज भी चल रहा है। तो वही सीतापुर से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पर नग्न अवस्था में एक लड़की के शव मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि थाना सन्ना इलाके के ग्राम पंचायत सौली के मौरा तालाब के पास नग्न अवस्था में एक लड़की का शव मिला, जहां जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही मृतक लड़की की शिनाख्त नहीं हो पाने से पुलिस अभी भी जांच में जुटी हुई है, जहां पर घटना के बाद लोगों को चर्चा का विषय बनाकर लोगों की माने तो दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। तो यहाँ पर नग्न अवस्था में लड़की का शव मिला है और अभी ये आशंका जताई जा रही है कि लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करके उसे तालाब के पास फेंक दिया गया है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है। तो अगली खबर बलरामपुर से, जहां पुलिस की वर्दी एक बार फिर से शर्मसार हुई है और एक और मामला पुलिस की बर्बरता का देखने को मिला है, जहां सिपाहियों का युवक की पिटाई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। तो एक बार फिर पुलिस की गुंडागर्दी के साक्षात दर्शन इस वीडियो में किए जा सकते हैं, जहां पुलिस वाले भीड़ में एक संख्या में एक युवक को मारते हुए दिख रहे हैं। वही बता दें कि ये सिपाही मदिया पुलिस चौकी पर तैनात है, जिसके बाद मामले की जानकारी मिलते ही SP केशव कुमार ने जांच के आदेश दिए। तो पुलिस की बर्बरता का ये वीडियो साफ देखा जा सकता है, जहां पर कुछ पुलिस वाले एक युवक को बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। कानपुर के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में 3 बोरों में लावारिस लाश मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, जहां सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य को जुटाने के बाद शव के सभी अंगों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मृतक की अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी है। वही स्थानीय निवासी जितेंद्र वाजपेयी ने बताया कि यहाँ पर 3 बोरे पड़े हुए थे और 3 बोरों में मानव शरीर के कटे हुए अंग थे, जिससे हत्या करके शव फेंके जाने की आशंका है। वही कर्नलगंज SDP आरती सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम के लिए ये शव भेज दिया गया है, जहां पर रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज थाना कर्नलगंज क्षेत्र में जब आज थाने की जो है वो गश्त पार्टी क्षेत्र में रवाना थी, उस समय जो है देखा गया कि एक्सल रोड पर जो है 3 गोलियाँ जो है संदिग्ध अवस्था में मिली, उसकी जांच की गई और जांच के पश्चात ये देखा गया कि उसमें से मेल ह्यूमन बॉडी के अंग जो है उसको मिले। तो इस सूचना पर तत्कालीन जो है जो वरिष्ठ अधिकारी हैं मौके पर पहुँचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, छानबीन करने के पश्चात बॉडी को रिकवर करके मॉर्चरी भेज दिया गया है। हमारा प्रथम प्रयास यह है कि सबसे पहले हम बॉडी को जो है शिनाख्त करें और शिनाख्त करने के पश्चात जो है जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मैं लौटूंगी बाकी खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।